I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. सो हेलो कैरम लवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरम वर्ल्ड गेमिंग। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जबरदस्त गेम प्ले वीडियो इन सिंगापुर प्लाजा, और साथ साथ मैं आप लोगों को जो मेरा आने वाला नेक्स्ट गिव अवे है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए गेम प्ले को इंजॉय करिए और साथ ही साथ मेरी बात भी ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन और डाउट ना रहे। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट गिव अवे था 2 मिलियन कॉइंस का, तो उसका विनर मैं पिछले वीडियो में अनाउंस कर चुका हूँ। तो जो हमारे विनर थे शेख मोहिद्दीन, उनको मैं अपना प्राइज दे चुका हूँ 2 मिलियन कॉइंस। तो और ये रहा उसका प्रूफ, उनके पास पहले सिर्फ 1000 कॉइंस था और मैंने उनको 2 मिलियन कॉइंस ट्रांसफर करके दे दिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये प्रूफ देना इसलिए ज़रूरी समझा कि कुछ भाई लोग के मन में सवाल हो सकता है कि यार ये भाई गिव अवे तो रखता है लेकिन जो विनर होता है उसको प्राइज देता है कि नहीं है। और कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि यार भाई ये भाई अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने कोई रिश्तेदार या जान पहचान वालों को तो कहीं गिव अवे का विनर नहीं बना रहा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं शेख मोहिद्दीन भाई को जानता भी नहीं था। तो बस यार आप लोगों को यही बताना था कि यहाँ पे कोई भी प्लेयर्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और आप सभी लोग मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो और आप सब लोग मेरे लिए बराबर हो। तो यार ये तो हो गई फर्स्ट गिव अवे की बात, अब बात करते हैं हमारे आने वाली नेक्स्ट गिव अवे जो कि होगा मेरा सेकेंड गिव अवे। तो यार मैं अपने सेकेंड गिव अवे में रखने वाला हूँ 2 विनर्स, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट गिव अवे था उसमें आप लोगों का बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आया था और बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसलिए अब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मुझे 2 विनर्स रखना पड़ेगा। तो यार ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को गिव अवे जीतने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो अब ये सेकंड गिव अवे कितना कॉइंस का होने वाला है ये तो आप लोगों को गिव अवे वीडियो में ही पता चलेगा। सो अभी के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही बता सकता हूँ कि जो मेरा सेकंड गिव अवे का प्राइस है वो फर्स्ट गिव अवे के प्राइस से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो यार अभी हम अपने गेम पे ध्यान देते हैं, आप लोग ये गेम फुल देखना, फुल वीडियो देखना, क्योंकि आप लोगों को आगे बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी ये गेम, ये बोर्ड तो फिनिश होने वाला है, बहुत ईजी पक है, इसे सिंपली पॉकेट करते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पे। तो यहाँ पे ब्रेक मिला है हमको और बहुत इजी ब्रेक मिला है, ब्रेक टू फिनिश वाला, इसको मैं ओपन करते हुए मारूंगा। आप ध्यान से देखना मेरी गेम को, मैं कैसे खेलता हूँ, इससे भी थोड़ा सा ओपन करने की ट्राई की। यहाँ पे एक पॉक जा रहा है हमारे टॉप लेफ्ट में, इसको सिंपली स्ट्रेट से कॉट मार दिया मैंने टॉप राइट में, इसको सिंपली पॉकेट करा वही पॉकेट टॉप राइट में और ये हो गया इजिली फिनिश हो चुका है ये गेम। आप लोग ध्यान से देखना मैं कैसे ओपन करके मारता हूँ गेम को। मैच लगा है बापन भाई से, ब्रेक मिला है हमारे ओपोनेंट भाई को, अभी वो ब्रेक कर रहे हैं लेकिन लकीली हमारा एक पक जो है वो बहुत अच्छी जगह पे ओपन हो गया है। तो अभी आप देखना मैं इस कैसे इस पक को टॉप राइट में मारता हूँ और अपने पक्स भी ओपन करता हूँ। ये हमारा पक्स थोड़ा सा ओपन हो गया है, अब हम इस बोर्ड को फिनिश करने की ट्राई मारते हैं। ये गया टॉप राइट, अब आप मेरे इस कट को देखिए आपको कैसा लगेगा ये कट, टॉप लेफ्ट में मारूंगा, ध्यान से देखिएगा, स्लो मोशन में दिखाया हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा खेलने वाला हूँ, अगर मैं इसको सिंपली डायरेक्ट मारता तो नहीं जाता, थोड़ा टेढ़ा करके मारना पड़ा। ये हमारा स्ट्रेट गया, अभी हम इसको टॉप राइट में मारते एडजस्ट करके, ये गया
आपको स्लो में दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं कैसे मार रहा हूँ। अब तीनों के तीनों पग सब टॉप राइट में जा रहे हैं आसानी से। अब इसको हम कट मारेंगे ओपोनेंट के पग के साथ ही। ये गया हमारा पग। तो अब नेक्स्ट मैच देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैच लगा है मोजिज भाई के साथ और फिर से ब्रेक ओपोनेंट का ही है। चलो उन्होंने अपने ब्रेक में पॉकेट कर लिया। अब ये देखते हैं कि वो आगे कैसे खेलते हैं। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अपने पक को ओपन करने की ट्राई की लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। और यहाँ पे ऐसा कट मारने जा रहे हैं। ये हो गया फॉल। कट तो लगा लेकिन हो गया फॉल। अब आप ध्यान से देखना मैं इस पक को कैसे मारता हूँ टॉप लेफ्ट वाले में। बाकी पक्स को भी ओपन करूँगा। ये देखिए अब थोड़ा सा पक ओपन हो गया तो थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ भी थोड़ी ओपन करने की कोशिश। अब मैं इसको कट मारता हूँ स्ट्रेट से टॉप राइट में। फिर से ये वाला पक जा रहा है टॉप राइट में। ये गया। मैं कट मारने वाला हूँ टॉप लेफ्ट में। ये सिंपल सा कट गया। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों मैं कैसे दोनों तरफ डबल पॉकेट शॉट मारता हूँ। ये देखिए फिर से देखिए एक बार। तो यार इस शॉट के लिए लाइक तो बनता है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। यार नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यार अभी हमारा नेक्स्ट मैच लगा है एमपी भाई के साथ। वो लेवल 145 के प्लेयर है भाई, बहुत ही हार्ड प्लेयर है। अभी हमें मिला है तो चलिए ब्रेक मारते हैं। उतना अच्छा तो नहीं लगा ब्रेक, फिर भी कोई बात नहीं, उनका कोई भी पक ओपन नहीं हुआ। यहाँ मैं थोड़ा सा अपना पक ओपन करता हूँ। देखिए कितना धीरे से मारा। आपको भी ऐसा ही खेलना है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप कॉइन को पॉकेट करें, कभी कभी सेफ भी खेलना जरूरी होता है। अब मैं यहाँ पे किस शॉट मारना चाहता था बॉटम राइट वाले पॉकेट में, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा पावर कम हो गया और हो गया मिस्टेक। नहीं होना चाहिए था मिस्टेक लेकिन हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, देखते अब हमारा टर्न आता है कि नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है तो टर्न आना अभी मुश्किल है, लेकिन फिर भी गेम है, कुछ नहीं कह सकते। और कभी भी मिस्टेक हो सकती है, चाहे जितना भी प्रो प्लेयर हो मिस्टेक सबसे होती है और हम मिस्टेक से ही लर्न करते हैं। अगर मिस्टेक ही नहीं होती तो हम फिर गेम खेलने का मज़ा ही नहीं रहेगा। ये अभी तो वो खेल रहे हैं, उनका गेम देखते हैं। हाँ वो ओपन करने की कोशिश, बिल्कुल ओपन हो गया पक तो, लेकिन इधर पक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। देखते हैं अब क्या होता है। अरे वाह इन्होंने भी किस शॉट मारी जबरदस्त, शायद इन्हीं के खेलने की चाह रहे। अरे वाह भाई कमाल का शॉट मारा। अभी ये लास्ट वाला पक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा पक थोड़ा ब्लॉक कर रहा है, सो मेरा पक की हेल्प से ही कट मारना पड़ेगा। ये देखिए उन्होंने ट्राई तो बहुत अच्छी की थी लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया। अगर यहाँ पे लुल्लू होता तो ये शॉट बहुत आसान हो जाता। आई होप कि वो लुल्लू से नहीं खेल रहे, फेयर खेल रहे। तो चलिए अब हमारा टर्न आ गया, हम बोर्ड को फिनिश करते हैं। सारे पक ओपन है, इजी है। तो देखते हैं अब लास्ट वाले दो पक्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उतना इजी भी नहीं है क्योंकि दोनों को लॉन्ग कट मारना पड़ेगा। फिर भी हम फिनिश करते हैं इतना तो। तो यार आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।